हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमेजिंग एक स्किन पैक बनाना सिखा रही हूँ जो आपकी स्किन प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस हैं, रैशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपके एंटी एजिंग है एंड डार्क सर्कल्स हैं, उन सब के लिए ये जो फेस पैक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए मैं बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि आपके आपके स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन लाइटन टाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। इसके लिए मैंने सैंडलवुड पाउडर लिया है, ये आयुर्वेदिक है। रोज पेटल्स लिए हैं, रॉ मिल्क लिया है और एक क्लीन बाउल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोज़ पेटल लेंगे, कुछ रोज़ पेटल्स लेंगे और इनको हम क्रश कर लेंगे। क्रश करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही क्रश करूँगी क्योंकि ये बहुत नाजुक है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं हाथ से ही करूँ, तो इसको मैं हाथ से क्रश कर लूँगी। जितना हो सकता है मैं इसको क्रश कर लूँगी हाथों से। और रोज़ पेटल फ्रेंड्स, ये ऑयल कंट्रोल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। स्किन टोनर है ये आपका, नेचुरल फेशियल क्लींजर है और ये आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो देगा। इसके बाद मैं इसमें सैंडलवुड पाउडर डालूँगी। सैंडलवुड पाउडर डालने के लिए आप इसे बना के नहीं रख सकते फ्रेंड, मीन्स अगर आप चाहें कि आप इसको बना के स्टोर करें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही यूज़ कीजिए। मैं इसमें सैंडलवुड पाउडर डाल रही हूँ। सैंडलवुड आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन में, टैनिंग हो गई है, एंटी एजिंग है, डार्क स्पॉट्स हैं, इन सबको आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा। सैंडलवुड एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो ये आपकी स्किन को टाइटन भी करेगा। आपके जो पोर्स ओपन हो गए हैं, कईयों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके पोर्स ओपन होते हैं, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो इसकी खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, तो आपने देखा मैंने इसमें ऐसे मिक्स कर लिया। इसमें रॉ मिल्क भी डाला है मैंने। रॉ मिल्क रिच इन विटामिन डी, एल्फा हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम होता है इसमें। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा फ्रेंड्स, एकदम डीपली, और ये आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर भी करेगा। जिन जिन मेरे फ्रेंड्स को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, वो इसमें इसमें मिल्क की जगह रोज़ वाटर यूज़ कर सकता है, और जिनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम नहीं है वो मिल्क के साथ ही इसको यूज़ की करें। तो चलिए मैं इसको आपको लगाना बताती हूँ, इसको कैसे आपको लगाना है। इसको आप थोड़ा सा ना बैक स्पून से ऐसे क्रश कर लीजिए ताकि आपके जो रोज़ पेटल हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और आप एकदम रॉयल फील करें इसको लगाने के बाद में। अब मैं इसको बता रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। अपने हाथ में इसको, अपने फेस पे भी आप इसको ऐसे विद रोज पेटल ही लगाएं और इसको कंप्लीटली ड्राई होने दें। देखिए कंप्लीटली ड्राई होने दें इसको। इसको 15 टू 20 मिनट्स आप अपने फेस पे रखिए और उसके बाद में कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। और इसके बाद अपने स्किन पे कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर वैसे तो जब आप इसको वॉश करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो गई है और टाइटन हो गई है। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम डेली बेसिस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के जितनी भी डस्ट होगी, पॉल्यूशन होगी, ये सब आपको क्लियर कर देगा और आपको एक क्लियर कॉम्प्लेक्शन जो वो देगा, जो सबकी एक चॉइस होती है। सब चाहते हैं, सब विश करते हैं कि हमारा क्लियर कॉम्प्लेक्शन हो, एकदम
जैसी भी स्किन हो, डार्क हो चाहे वाइट हो, आप बहुत गोरे हो, तो भी आप एक चाहेंगे कि आपको एक हेल्दी स्किन मिले। और जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।